छतरपुर के बाद दमोह में भी एमपी में मामा का बुलडोजर चल रहा है। दरअसल हत्या के आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 4 हेक्टेयर जमीन को वन विभाग ने मौके से खाली कराया है। मौके पर एसडीओपी मौजूद रहे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दमोह में हत्या के आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तो लगातार मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है। छतरपुर के बाद दमोह में भी बुलडोजर चला है। बता दें, हत्या के आरोपी के ठिकानों पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे ध्वस्त किया गया है। एसडीओपी मौके पर मौजूद रहे। गांव में एक हत्या हुई थी, उस हत्या का जो संदेही रूप बन जा रहा है, यह सिद्ध पाया गया है कि वो एक जंगल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया था। वन विभाग के सहयोग से, वन विभाग के अधिकारियों के आदेश से उसकी उस 4.5 हेक्टेयर अतिक्रमण की भूमि को मुक्त कराया गया। और चलेंगे दमोह, बात करेंगे वीडी शर्मा से। वीडी, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ आरोप लगे हैं इस बदमाश पर? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले के लखनपुरा पुराना खेड़ा गांव में आज एक हत्या के आरोपी रूपा बंजारा की जो जमीन थी, जो वन विभाग की जमीन पर वो अतिक्रमण किए था, उसके अतिक्रमण पर आज पुलिस द्वारा बुलडोजर लगाया गया है। और यह प्रशासन की कार्रवाई वन विभाग की अनुमति से की गई है। और बताया जा रहा है कि कई दिनों पहले इसने प्रभुराज पानी की हत्या की थी और उसके आरोप में यह फरार है। तो आज आरोपी जो है रूपा बंजारा, उसकी जमीन पर आज अतिक्रमण की जो जमीन थी उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, मामा का बुलडोजर।